salary from India, it'll be at least, it should be at least 3 times than what you get in India, in London. A one bedroom apartment to cost, will it'll cost you around £1,500 per month. Transportation bhi bahut zyada mehenga hai yahan pe. So this was my first time that I was moving out of home and of India. But still, ek tha ki from North India to South India, jab tum move karte ho to kafi cheeze change ho jati hain. One of the major reasons that I chose UK was because I wanted to travel Europe. To wahan pe wo platform 93x4 bana rakha hai. Hi guys, I'm Shant sir. Welcome back to the channel. Tar aaj ki video mein hum discuss karne wale hain India versus UK. मेरे साथ है गरिमा एंड शी इज करेंटली वर्किंग गूगल लंडन. उन्होंने पहले लाइक इंडिया में ज्वाइन किया था, एडोबी में थोड़ा टाइम काम किया, फिर शी इज स्विच टू गूगल एंड फिर गूगल में एक साल काम करके नाउ शी इज करेंटली वर्किंग इन गूगल लंडन. थोड़े दिन पहले ही लाइक ट्रांसफ़र हुआ है, इंटरनल ट्रांसफ़र करके वहाँ गए हैं. 3 महीने ऑलमोस्ट हुए हैं, तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाले हैं हमारे साथ कि लाइक एक नई कंट्री में जाके जब तुम रहना स्टार्ट करते हो तो क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, जो यूके में लाइफ कैसी है, वीकेंड्स पे क्या करते हैं, घूमने कहाँ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं. और लंदन के आसपास मतलब यूके के आसपास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो यूरोप में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा जगह हैं, तो वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एक पहले गरिमा का छोटा इंट्रोडक्शन लेते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल इन लंदन. एंड निशांत ने ऑलमोस्ट मेरा सारा इंट्रो दे ही दिया है. सो अदर देन दैट, रिगार्डिंग माई स्टडीज़, सो आई कम्प्लीटेड माई BTech फ्रॉम USIT इन IP यूनिवर्सिटी एंड देन आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम IIT दिल्ली. उसके बाद आई स्टार्टेड माई करियर विद Adobe, जस्ट एज निशांत जस्ट मेंशन. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो या तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि लाइक लंदन का एक्चुअली जो एवरेज CTC एवरेज जो पैकेज होता है वो कितना होता है, क्योंकि लंदन इज क्वाइट एक्सपेंसिव देन लाइक इंडिया. इंडिया में अगर तुम बैंगलोर हैदराबाद में रह रहे हो या फिर नोएडा में रह रहे हो तो जो पैकेज है उससे लंदन वाला थोड़ा ज़्यादा होगा, बट वहाँ पे एक्सपेंसेस भी उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा होते हैं, राइट? यस एब्सोल्युटली, लंदन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. सो सैलरी डिफरेंस जो होता है लाइक फॉर अ फ्रेशर, सो यू गेट ऑन एवरेज 80,000 to 85,000 pounds अ ईयर एंड इन दिस इट्स यूजली डिवाइडेड इन टू 3 parts, योर बेसिक, योर बोनस एंड देन योर स्टॉक्स. सो इफ़ यू कंपेयर इट विद इंडिया, तो ऐसा होता है कि यूजअली योर सैलरी फ्रॉम इंडिया इट विल बी एट लीस्ट, इट शुड बी एट लीस्ट 3 times देन वॉट यू गेट इन इंडिया इन लंडन. सो बिकॉज एक्सपेंसिस भी उसी रेशियो में होते हैं, सो टू कॉम्पनसेट दैट इतना तो होना ही चाहिए. सो ऑन एवरेज इतना बन जाता है 80,000 to 85,000 pounds. ओके, तो जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं वो भी इन जनरल 3x हो जाते हैं, फिर बस बेसिक सैलरी 3x होती है. स्टॉक्स एक्चुअली ये वो यूजुअली मार्केट पर डिपेंड करता है, सो दे ट्राई टू कीप द टोटल अराउंड इतना कि 1 year में 80,000 to 85,000 रहना चाहिए. नाउ इट डिपेंड्स कि वो कैसे उसको मैनेज करते हैं. समटाइम्स यू गेट लेस बेस एंड मोर स्टॉक्स, समटाइम्स यू विल गेट मोर बेसिक सैलरी एंड लेस ऑफ स्टॉक्स. सो इट डिपेंड्स एंड देन इट ऑल्सो डिपेंड्स वॉट अदर कॉम्पीटिंग ऑफर्स यू आर हैविंग एंड एवरीथिंग. राइट राइट राइट, ट्रू. तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. और इंडिया में द एवरेज गूगल सैलरी इज अराउंड 15 to 20 lakhs पर एनम, मतलब जो बेसिक सैलरी है, प्लस तुम्हारे स्टॉक्स होते हैं अराउंड 8,000-9,000 dollars के, प्लस तुम्हारा ज्वाइनिंग बोनस होता है, परफॉर्मेंस और रिलोकेशन, वो सारी चीज़ें होती हैं. तो जो टोटल बनता है 35-40 अराउंड पर एनम तुम्हारा बनता है, तो सब कुछ मिला के. अब ये मतलब 30 to 45 मतलब काफ़ी वेरिएबल है, अलग अलग का अलग अलग होता है, हर साल चेंज करते रहते हैं, कभी स्टॉक्स का परसेंटेज चेंज कर देते हैं, कभी कुछ चेंज कर देते हैं. तो अगर तुम इसको 3x करोगे तो इट वुड बी अराउंड 1 crore प्लस, मतलब जो पूरा कॉम्पनसेशन है लंदन वाला. अब हमने कॉम्पनसेशन की बात करी तो मतलब जो वहाँ पे एक्सपेंसेस है वो कैसे हैं, कि एक्चुअली आपको रेंट कितना देना पड़ जाता है, इन जनरल आपकी ग्रोसरीज एंड वो सब में कितना रहता है, एंड में सेव कितना कर पाते हो. यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज है तुम्हारे लिए, 25% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. तुम्हें अगर कोई भी कोडिंग जैसे कोर्स लेना है तुम जाके ले सकते हो. दिस इज एप्लीकेबल टिल 15th of August, तो कोई भी अगर तुम्हें कोर्स लेना है दिस इज द राइट टाइम. एंड इसके बाद द डिस्काउंट विल बी 15%. इफ यू डोंट नो अबाउट कोडिंग निंजाज, कोडिंग निंजाज इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, DSN, C++, जावा, पाइथन. एंड जहाँ के इंस्ट्रक्टर्स हैं यार वो स्टैनफर्ड IIT ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने अमेज़न, फेसबुक जैसे अमेजिंग कंपनीज में काम किया हुआ है. इसके अलावा जो कोर्स कंटेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है. तुम्हें हिंट वीडियोस मिल जाती हैं, जैसे हम कोई भी कोर्स वगैरह करते हैं तो हमें डाउट्स आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो देर आर 200+ हिंट वीडियोस इन C++ DSA कोर्स. इसके अलावा तुम्हारा डाउट फिर भी सॉल्व नहीं होता है, तुम TA सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है. 3 to 4 hours के अंदर तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व हो जाएंगे. सो 25% ऑफ का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो बिफोर 15th.
उसके बाद देख रहे हो तो 15% ऑफ का लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. अब बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ. सो जो मेजर चंक ऑफ योर सैलरी होता है वो विल गो इन रेंट, बिकॉज रेंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव इन लंडन. सो ऑन एन एवरेज इन लंडन यू वुड फाइंड अ वन बेडरूम अपार्टमेंट टू कॉस्ट इट विल कॉस्ट यू अराउंड £1500 पर मंथ. सो नाउ इट डिपेंड्स कि अब आपका क्या प्रेफरेंस है, इफ यू वॉन्ट टू शेयर इट विद समवन और नॉट, देन उस हिसाब से वो डिवाइड हो जाएगा. बट इट विल बी £1500 फॉर वन बेडरूम अपार्टमेंट. इट कुड बी मोर बट ऑन एवरेज इट विल बी दिस. देन फॉर ग्रॉसरीज यू विल एंड अप स्पेंडिंग £200 to £300 पर मंथ. देन यूटिलिटीज होती हैं इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ब्रॉडबैंड, काउंसिल टैक्स एंड एवरीथिंग. सो दैट विल ऑल्सो कॉस्ट यू अराउंड £300 पर मंथ. Then transportation, yes, one of the very expensive parts. Transportation भी बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पे. So वो भी £200 तो at least हो ही जाएगा per month. So on an average you'll end up spending £2200 to £2500, because कुछ miscellaneous expenses भी हो ही जाते हैं every month, like if you want to go shopping, traveling or anything. तो इतना तो हो जाएगा, मे बी किसी मंथ ज़्यादा होगा किसी मंथ कम होगा. सो बट इतना ऑन एन एवरेज. सो इफ एंड ऑल्सो मतलब इन अगर आफ्टर टैक्सेस एंड एवरीथिंग योर इन हैंड सैलरी वुड बी अराउंड £3500 to £3700 पर मंथ. सो आउट ऑफ विच यू विल स्पेंड अराउंड 20 to 24. सो यू विल सेव अराउंड £1200 पर मंथ लेट्स से ऑन एन एवरेज. तो काफ़ी सही है, मतलब £1200 आफ्टर टैक्सेस वुड बी अराउंड 1 lakh प्लस पर मंथ. तो इतनी जो तुम्हारी इंडिया में सैलरी होगी फॉर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और एनी कंपनी जो फैंग वाली हैं, उनकी इन जनरल सैलरीज इतनी होती है 1 lakh प्लस पर मंथ. तो उतना तो वहाँ पे सेव कर रहे होगे. बट इन जनरल जैसे रेंट है इंडिया में 15,000 पर मंथ में तुम्हें बहुत अच्छा अपार्टमेंट बहुत अच्छी सोसाइटी में मिल जाएगा, और तुम्हें वो 10 times ज़्यादा में लंदन में एक वन बेडरूम मिलेगा. तो वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. इसके अलावा तुम्हारे जो कम्यूट वाला है, यहाँ पे रिक्शाज, ऑटोज, ये सारे काफ़ी इजीली अवेलेबल और काफ़ी चीप हैं. ठीक है, अगर तुम दिल्ली में रह रहे हो तो फिर तो मेट्रो तो है ही बेस्ट. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब यहाँ पे वहाँ पे ये सारी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो जैसे अब मैं हैदराबाद में शिफ्ट हो चुका हूँ, तो मैं जनरली वर्क फ्रॉम ऑफिस ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लंच बनाने के लिए की हिम्मत होती नहीं है. एंड इन जनरल तुम बाहर से मंगाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा ऑफिस चले जाओ, ऑफिस में लंच भी सही है खा लेते हो. अब वहाँ पे क्या सीन है, मतलब आपको खुद कुक करना पड़ता है अपना लंच डिनर वगैरह, या फिर कैसे करते हो? हाँ, तो ये वन ऑफ द मेन रीजंस होता है आई थिंक सबके ऑफिस जाने का, दैट यू गेट यू ऑल योर मील सॉर्टेड इफ यू गो टू ऑफिस. सो दिस इज द सेम हियर एज वेल, लाइक इफ यू आर गोइंग टू द ऑफिस देन ऑल योर मील्स फॉर लंच ब्रेकफास्ट डिनर एवरीथिंग इज सॉर्टेड. बट इफ यू आर एट होम देन यू विल हैव टू कुक योर सेल्फ. बट वही डिफरेंस ये है कि देन यू विल हैव टू कम्यूट, वन ऑफ द रीजन्स दैट समबडी कुड प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम. सो इट कुड टेक यू, इफ़ यू आर लिविंग इन लंडन इट वुड टेक यू एटलीस्ट 15 to 20 minutes टू गो टू योर ऑफिस. बट ये ज़्यादा भी हो सकता है, लाइक मुझे 40 minutes लगते हैं बिकॉज मैं Zone 4 में रहती हूँ. तो एज यू गो जितना भी आगे जाओगे तो ये टाइम उतना बढ़ जाएगा, तो 40 minutes भी लग सकते हैं. तो ये एक कम्यूट टाइम होता है जिसको सेव करने के लिए यूजली पीपल प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम. एंड लाइक गूगल में अभी हाइब्रिड वीक है, तो आई गो टू ऑफिस 3 times अ वीक एंड आई वर्क फ्रॉम होम 2 days अ वीक. सो ऐसा ही है. ओके. तो मतलब हाइब्रिड वाला है हर जगह, मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड यहाँ पे, मेरा जब मन करता है मैं जा सकता हूँ. इफ़ आई डोंट वांट टू वर्क फ्रॉम ऑफिस फॉर 3 days या 4 days इन अ वीक, दैट्स आल्सो फाइन. इफ़ आई वांट टू वर्क फुल वीक फ्रॉम ऑफिस तो मैं फुल वीक भी कर सकता हूँ. तो क्योंकि वी हैव लाइक दे हैव अलॉटेड डेस्क टू अस, तो हमारे पास अपने पर्सनल डेस्क हैं, सब कुछ है, तो कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड कम्यूट टाइम मेरा तो बहुत कम है, क्योंकि मेरा ऑफिस से बहुत पास है. आई लिव 2.5 kilometers अवे फ्रॉम ऑफिस. इट टेक्स 5 minutes फॉर मी टू गो टू ऑफिस, प्लस फिर वापस आने के लिए दे प्रोवाइड कैब्स और लाइक बस सर्विसेज. तो सुबह थोड़ा जल्दी होता है तो सुबह जाने में पता वो खुद ही करना पड़ता है, बट वापस आने के लिए इट्स सॉर्टेड. अब आपने ये बोली अब आपने बोला कि आप जोन 4 में रहते हो, तो जो उसका रेंट होगा एज कम्पेयर टू मिडिल वाले एरियाज वो आई थिंक कम होगा, राइट? अगर आप और सेंट्रल लंदन की साइड जाओगे तो और ज्यादा रेंट इंक्रीज होगा. यस, तो मैंने एक्चुअली 1500 बाद वाले का ही बताया था. अच्छा, तो मतलब अंदर और ज्यादा है.
Actually, it really depends on your preference, because there are modern style apartments, then there are a little older apartments. So if you will prefer that, then aapka rent kam ho jayega. But because I wanted a certain thing, jo ki mujhe yahin pe hi mil rahi thi, matlab central mein jaake wo aur expensive ho raha tha. So I did not choose that. ग्रेट यार, ग्रेट. मतलब सही है, देख के तुम्हें पता चल रहा होगा कि दिस इज फ्रॉम अ लंदन अपार्टमेंट. ब्लाइंड्स एंड एवरीथिंग, लाइटिंग थोड़ा फैंसी लुक दिख ही रहा है. लिटिल बिट. राइट. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लाइक हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू स्विच फ्रॉम लाइक इंडिया टू लंदन. क्या कुछ कल्चरल शिफ्ट या फिर इन जनरल प्रॉब्लम्स क्या आई थी आपको? तो एक्चुअली दिस वाज माय फर्स्ट टाइम स्टेपिंग आउट ऑफ होम. Like all my studies, job, everything, मैंने सब कुछ दिल्ली में ही किया था. So this was my first time that I was moving out of home and of India. So मेरे लिए difficult था, because like I've never done all the household chores by myself, cooking, cleaning, everything. तो यहाँ पे सब कुछ खुद करना होता है. So that is a big difference. You have to get used to it. It takes time, like because either you don't have your mother or anybody who will just prepare meals for you or anything. Right. So that's the difference. And other than that, baki cultural difference, like if you see weather, there is a difference. Like India mein to it's very hot at the moment, I think. So but yahan pe itna garmi nahi hoti yahan pe, but I think winters mein yahan pe kafi zyada thand padti hai. Abhi main, because I moved here in summer, so it has been very pleasant so far, but let's see. To weather wise kafi different hai. देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब कल्चर है लंडन में. सो यू कैन रियली, इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू पार्टी, देन लंडन इज अ ग्रेट प्लेस फॉर यू. नाइस. तो ये वाली चीज मेरे साथ भी सेम थी गरिमा और मेरे साथ, क्योंकि हम दोनों दिल्ली से हैं. एंड आई लाइक फर्स्ट टाइम मैंने मूव आउट किया क्योंकि कॉलेज मेरा दिल्ली में था, तो मैंने कभी हॉस्टल लाइफ भी इतनी ही करी. तो फर्स्ट टाइम था कि दिल्ली से आके आए लाइक स्विच टू हैदराबाद, सब कुछ खुद करना है. मम्मी पापा नहीं है, उनको तुम कुछ बोल नहीं सकते. खाने का भी खुद देखना है, कपड़े का भी, कपड़े भी खुद धोने हैं, फिर सब चीज़ों का ध्यान रखना है. अब जो यहाँ पे तो तुम्हें हाउस हेल्पर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो सुबह आके ये बर्तन वगैरह की टेंशन नहीं है तुम्हें, क्लीनिंग की टेंशन नहीं है. बट ये है कि तुम्हें 8 बजे उठा देते हैं वो, तुम्हें 8 बजे उठना पड़ेगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. तो थोड़ी सी लाइफ ईजी है, बट स्टिल एक था कि फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया जब तुम मूव करते हो तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. लाइक लैंग्वेज बिल्कुल एक डिफरेंट है. तुम नॉर्मल किसी से भी बात करोगे तो दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी. मतलब 70% चांस है कि इन्हें नहीं समझ आती. बट अब ऑटो वाला और ये सब थोड़े हो गए हैं मॉडर्न, वो इंग्लिश तो समझ ही जाते हैं, हिंदी नहीं समझते तो काम तो चल जाता है. बट हाँ, व्हेन यू मूव आउट तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उसी कंट्री में मूव आउट करना इज स्टिल इजियर देन लाइक मूविंग आउट टू अ न्यू कंट्री एंड वो भी फर्स्ट टाइम. सो रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स यार, कि आप फर्स्ट टाइम गए और वो भी सीधा ही लंदन. बट यू नो इट्स अ ग्रेट थिंग इफ यू डेवलप दिस हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, डूइंग दिस इंडिपेंडेंट थिंग. आई थिंक इट्स अ ग्रेट हैबिट टू हैव. आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इट, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. बट अच्छा है, मतलब एक फ्रीडम वाली चीज तो ऐड हो ही जाती है. बट हाँ भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ें खुद करना है, ध्यान रखना है, इतनी सारी चीज़ें करनी है. तो वीकेंड में मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन में से 1 दिन तो यही सब चीज़ें करने में निकल जाता होगा, राइट? हाँ, मोर और लेस. बट आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज आई कैन. लाइक इफ नॉट कम्प्लीट एटलीस्ट हाफ अ डे, यस इट डज गो इन दिस. ऑब्वियसली मतलब अब लंदन गए हो तो घूमना तो जरूरी है ही. मतलब अब वहाँ जाके भी घर पे रुके तो क्या फायदा हुआ, राइट? एंड वेदर वाली चीज़ की बात थी तो लाइक साउथ में वेदर इज़ गुड. अब जो वो गर्मी वाली चीज़ है वो दिल्ली में ज़्यादा है. लाइक बैंगलोर हैदराबाद में द वेदर इज़ क्वाइट गुड एट द मोमेंट, क्योंकि जो टेम्परेचर रहता है वो 21 to 30 के बीच में रह रहा है पिछले 2-3 महीने से. एंड बैंगलोर में तो पूरे साल ही वो 21 to 30 रहता है, तो वहाँ तो पूरे टाइम ही प्लेजेंट रहता है. सर्दी भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती, बट वहाँ वो बारिश होती रहती है. फिर वहाँ बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है. कीचड़ होता है तो आपको कैब नहीं मिलती. अरे सेम. तो बैंगलोर का तो अलग ही रोना है, ठीक है. हैदराबाद में थोड़ा बेटर है, बट हाँ यहाँ पे 2-3 महीने गर्मी होती है. जब तुम्हारा टेम्परेचर 35 to 40 चला जाता है, लाइक मार्च जब मैं आया था अप्रैल मई के टाइम पर, अच्छा खासा टेम्परेचर 35+ था. तो ठीक है, बट मैनेजेबल होता है अगर तुम घर पे ही है वो या फिर ऑफिस में हो तो इतना फर्क पड़ता नहीं है. वैसे भी दिल्ली की हैबिट होती है तो 35-40 वी डोंट माइंड. हाँ, हमें 50 के बाद पता चलता है अच्छा गर्मी हो रही है. 35-40 में तो कुछ पता ही नहीं चलता. वी डोंट फील इट. राइट.
तो गरिमा आप ये बताओ, आप लंदन में गए हो तो वीकेंड्स वगैरह पे एग्जैक्टली करते क्या हो? एंड इसके अलावा लाइक और यूरोप की कंट्रीज घूमने का क्या सीन रहता है? क्योंकि अगर आप वहाँ गए हो तो आपका पक्का यही प्लान होगा कि यार अब लंदन गई गई हूँ तो फ्रांस, जर्मनी, तुम्हारा पोलैंड, ये सारे जो कंट्रीज हैं आसपास सबको घूमना है, राइट? राइट एब्सोल्युटली. सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स दैट आई चोज यूके वॉज बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्रैवल यूरोप एंड दिस इज वॉट आई प्लान टू डू ऑन वीकेंड्स. सो मेरा मेजॉरिटी ऑफ द वीकेंड गोज इन टू ट्रैवलिंग बिकॉज एंड अभी इफ यू सी यूरोप एंड यूके, सो उनका सेम वीज़ा नहीं होता है, अभी उनका अलग वीज़ा हो गया है. तो यू हैव टू अप्लाई फॉर द शेंगन वीज़ा टू ट्रैवल इन द यूरोपियन कंट्रीज विच आर नॉट एंड यूके इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. तो मेरे पास अभी तो यूके का स्किल वर्कर वीज़ा है, सो आई कैन नॉट गो टू यूरोप एज ऑफ नाउ. सो आई हैव अप्लाइड फॉर द वीज़ा बट देर इज़ अ वेटिंग टाइम एंड एवरीथिंग. सो वंस आई गेट दैट देन ओनली आई विल बी एबल टू ट्रैवल इन पैरिस, जर्मनी एंड एवरीवेयर. बट फॉर नाउ आई हैव बिन एक्सप्लोरिंग सिटीज विद इन यूके एंड इट हैज़ बिन रियली फन बिकॉज इट्स सो डिफरेंट फ्रॉम वट आई हैव सीन इन इंडिया एंड सम ऑफ द प्लेसेज हैव बिन रियली रियली ब्यूटिफुल. सो मेरा वीकेंड इसी में ही जाता है एंड देन समटाइम्स आई गो शॉपिंग, ईटिंग आउट विद फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कॉन्टेंट क्रिएशन. या सो लाइक गरिमा इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लाइक रील्स वगैरह पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे भी तुम जाके फॉलो कर सकते हो, दोनों लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट? तो आप जो, अगर आप हैरी पॉटर फैन हो तो आप जो प्लेटफॉर्म 9/3/4 है या फिर जो जहाँ पे भी शूटिंग वूटिंग हुई है वहाँ पे गए हो अभी तक? हाँ कुछ लोकेशंस हैं लंदन में. सो द प्लेटफॉर्म 9/3/4 विच इज़ वेरी फेमस, इट इज़ इनसाइड वन ऑफ द वेरी ह्यूज स्टेशंस इन लंदन विच इज़ किंग क्रॉस. तो वहाँ पे वो प्लेटफॉर्म 9/3/4 बना रखा है एंड देन देर इज़ अ शॉप वेर यू कैन फाइंड ऑल द हैरी पॉटर रिलेटेड स्टफ. सो उधर पिक्चर्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी होती है ऑलवेज, मैंने जितनी बारी भी देखा है. एंड देन यू कैन गो देयर एंड क्लिक पिक्चर्स विद दैट यू नो दैट ट्रॉली विच इज़ गोइंग इन साइड द वॉल. सो उसके राइट साथ राइट राइट हाफ वाली, एग्जैक्टली या तो उधर बहुत इट्स ऑलवेज क्राउडेड देयर. सो बट आई हैव बिन देयर, या इट्स रियली नाइस. एंड मेनी ऑफ द लोकेशन लाइक हैरी पॉटर की काफ़ी शूटिंग स्कॉटलैंड वगैरह में भी हुई है, तो वहाँ पे राइट, काफ़ी फेमस वायाडक्ट्स हैं कुछ, जो मतलब जहाँ से वो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस जाती थी. एग्जैक्टली सो आई हैव नॉट एग्जैक्टली बिन देयर बट आई नो अबाउट इट. एंड ऑल्सो वन ऑफ द रील्स दैट आई रिसेंटली शेयर, यॉर्क में मैं अभी गई थी, वहाँ पे देर इज अ प्लेस जहाँ पे आप ट्रैक करके जाते हो. सो देर इज अ सीन विच इज फिल्म देयर, मैलम कोव. आई मीन अक्रॉस यूके देर आर लॉट ऑफ places where Harry Potter has been shot. So yeah. काफ़ी सही। तो इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली फॉलो कर लेना, क्योंकि 2-3 महीने बाद जब वो वीज़ा मिल जाएगा तो ये घूमना स्टार्ट करने वाले हैं और फिर काफ़ी सही मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम गरिमा, मतलब लंदन इंडिया टाइम मैच करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है? क्योंकि तुम कभी भी देखोगे अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो लंदन और इंडिया वाला टाइम मैच करके मीटिंग फिक्स करना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जब यहाँ पे रात हो रही है तो वहाँ पे सुबह हो रही है, वहाँ पे शाम हो रही है, तो थोड़ा सा है डिफरेंस है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम करें, काफ़ी मज़ा आपके साथ बात करके। थैंक यू निशांत फॉर हैविंग मी. लाइक आई हैव सीन योर प्रीवियस वीडियोज बट आई नेवर रियली थॉट दैट आई विल कम ऑन योर चैनल एज अ स्पीकर वन टाइम. सो थैंक यू सो मच. अमेजिंग यार। और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक एज वेल एज इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन डेफिनेटली फॉलो हर ऑन बोथ। एंड इतना ही था आज वाली वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।